बात वर्ष 1705 की है। मुगलों ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से बदला लेने के लिए जब सरसा नदी पर हमला किया तो गुरु जी का परिवार उनसे बिछड़ गया था। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी अपने रसोइये गंगू के साथ उसके घर मोरिंडा चले गए। रात को जब गंगू ने माता गुजरी के पास मोहरे देखी तो उसे लालच आ गया। उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खां के सिपाहियों से पकड़वा दिया। उसके बाद वीर साहबजादों के बलिदान की गाथा इस बच्चे की जुबान से सुनिए। ये बड़े ही बलिदाना और शिलालेख वाली काम है कि ये काम शीश देकर जन्मी, ये कौन शीश की दानी है, ये कौन शीश देकर जन्मी, ये कौन शीश की दानी है। और ये 7 दिन पंजाब में 21 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक पंजाब में शोक का सप्ताह माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार 21 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक शहीद हो गया, धर्म के लिए शहीद हो गया। और गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे 2 बेटे चमकौर के युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और 2 बेटे जिंदा सरहिंद की दीवारों में चुनवा दिए गए। जब छोटे बेटे की गर्दन तक ईंटें आ गई तो बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ गए, बड़ा बेटा रोने लगा तो छोटे बेटे ने कहा, बड़े भैया जब बलिदान की बारी आ गई तो आंखों में आंसू आ गए, कायर हो गया, रोते क्यों हो। तो बड़े बेटे ने कहा, छोटे इसलिए नहीं रोता कि बलिदान की बारी आ गई, रोता इसलिए हूं कि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। इस जोरावर जोर से बोला फतेह सिंह, शोर से बोला जोरावर जोर से बोला फतेह सिंह, शोर से बोला, रखा इटे भरो घरे चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, मेरे देश की जय हो, मेरे धर्म की जय हो, मेरे देश की जय हो, मेरे धर्म की जय हो, मेरे देश की जय हो, मेरे धर्म की जय हो। दूसरी तरफ चमकौर के युद्ध में श्री अजीत सिंह जी शहीद हो चुके थे। 40 सिंह बजे थे घड़ी के अंदर, गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटे बेटे को कलगी टांकी और भेजा। सिख परंपरा में यह तरीका है कि माँ कलगी टांकती है, लेकिन उस समय वहां माँ नहीं थी, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटे बेटे को कलगी टांकी और भेजा। कुछ समय बाद छोटा बेटा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।